ओम नमः शिवाय, जय माता दी। भृगु संहिता के अनुसार कन्या विवाह के लिए कौन कौन से महीने श्रेष्ठ होते हैं वो जानिए। यदि माघ यानी जनवरी के महीने में बेटी का विवाह करोगे तो बेटी धनवती बनी रहेगी, कहीं ना कहीं से उसके पास धन आता ही रहेगा। उसके ससुराल वाले जीवन भर कभी गरीबी नहीं झेलेंगे। भृगु संहिता के अनुसार फाल्गुन यानी फरवरी के महीने में बेटी का विवाह करते हैं तो उसके पति की लंबी आयु होती है और वो बेटी सौभाग्यवती होती है। वहीं शास्त्र में वर्णन किया गया है कि साख यानी अप्रैल, ज्येष्ठ यानी मई महीने में बेटी का विवाह होने से वह बेटी अपने पति को प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय होती है। शास्त्र यहाँ तक कहता है कि वो बेटी अपने पति को इतना प्रिय होती है जितना कि महादेव को माता पार्वती। और सुनो, भृगु संहिता के अनुसार आषाढ़ यानी जून के महीने में विवाह होने पर कुल की वृद्धि होती है। वहीं अगहन यानी नवम्बर के महीने को विवाह के लिए शुभ बताया गया है। सावन का महीना जब देवता सोए हुए होते हैं और कोई जबरदस्ती से बेटी का विवाह कर देता है तो बेटी को बेटी ही बेटी होती है। दोस्तों, शास्त्र अनुसार जब देवता सोए हुए होते हैं तो अपने हिंदू सनातन में तो देवताओं के जागने के बाद ही विवाह शुरू होते हैं। देव उठनी हरि प्रबोधिनी एकादशी से विवाह आरंभ होते हैं। आषाढ़ महीने तक ही विवाह को अच्छा बताया गया है हिंदू सनातन में। उसके बाद शास्त्र अनुसार कार्तिक का महीना ज्यादा शुभ नहीं बताया जाता है बेटी की विवाह के लिए। अब जान लेते हैं कि कौन से महीने हैं जो विवाह के लिए अच्छे ही नहीं होते हैं। तो चैत्र का महीना, कार्तिक का महीना, पूस का महीना, ये कुछ महीने अच्छे नहीं होते हैं बेटी की विवाह के लिए। सबसे बढ़िया महीना माघ का, फाल्गुन का, वैशाख का, ज्येष्ठ का, आषाढ़ का महीना विवाह के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, जहाँ तक हो विवाह के लिए कोशिश इन्हीं महीनों में करें। शास्त्र अनुसार कुछ तिथि और वार भी वर्जित है विवाह के लिए, जैसे अमावस्या को विवाह न करें, चौथ और नौमी, चौदह, इन तिथियों में विवाह ना करें बेटी का। शास्त्र अनुसार रविवार और शनिवार और मंगलवार ये विवाह के लिए कभी भी शुभ दिन नहीं माने गए, क्योंकि भृगु संहिता कहती है कि पति पत्नी की सुखी जीवन में जहर घोलने के लिए तीन वार बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो दोस्तों, जब जब आप अपने बच्चों का विवाह करना तो इन तीन वारों में तो बिल्कुल भी मत करना। आप बखूबी इन तीन वारों को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा हम नहीं, ऐसा भृगु संहिता कहती है। हर हर महादेव।